योगी को मिला कोर्ट का साथ। बरेली के न्यायाधीश ने की योगी की तारीफ। बुलडोजर बाबा के लिए कही बड़ी बात। योगी को बताया दार्शनिक। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आए हैं, तब से अपराध के खिलाफ उनका सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। अब उनके इसी अंदाज पर बरेली जिले के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवि दिवाकर ने टिप्पणी करते हुए खूब तारीफ की है। अक्सर योगी अपने बुलडोजर एक्शन और माफियाओं के खिलाफ कड़े तेवर को लेकर जाने जाते हैं। आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता साफ तौर पर नजर आती है, लेकिन ये लोकप्रियता अब जनता तक ही सीमित नहीं रही। यूपी की न्यायपालिका भी योगी के कार्यशैली से प्रभावित है। न्यायाधीश रवि दिवाकर ने योगी की तारीफ में क्या कुछ कहा, जानेंगे आज के स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात करेंगे बरेली हिंसा की। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। अक्सर ये देखा गया है कि योगी समर्थक बाबा की तारीफ करते नहीं थकते, और थके भी कैसे, योगी का जलवा ही ऐसा है। योगी की बुलडोजर वाली छवि ने लोगों को खूब प्रभावित किया है। ऐसे में कोर्ट के जज भी योगी की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए, और बरेली जिले के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवि दिवाकर ने योगी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने सीएम योगी की तुलना दार्शनिक राजा के विचार से की, जैसा कि प्लेटो ने अपने सुकराती संवाद रिपब्लिक में उल्लेखित किया था। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने बरेली में मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट में समन किए जाने के दौरान ये बात कही थी। कोर्ट ने कहा कि सत्ता का मुखिया एक धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, जिसका जीवन त्याग और समर्पण का होता है, जैसा कि दार्शनिक प्लेटो ने अपनी एक किताब फिलोसोफर किंग में लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक यहाँ का राजा दार्शनिक ना हो। वर्तमान समय में हम जिसे न्याय कहते हैं, उस शब्द का प्लेटो ने धर्म के रूप में प्रयोग किया है। न्यायाधीश आगे कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण गोरखपुर मंदिर के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ हैं, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने सत्ता में इस बात को सही सिद्ध किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में दंगे होने का प्रमुख कारण यहाँ राजनीतिक दलों के एक धर्म विशेष के ऊपर तुष्टिकरण में लगे रहना है, जिससे उस धर्म के प्रमुख लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वो दंगे करवा भी देंगे तो बच जाएंगे, जैसा कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ सबूत होने के बावजूद भी उसके नाम का आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया। जज ने अपने फैसले में लिखा कि यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ना होती तो बरेली में कुछ दिन पहले ही दंगा भड़का सकता था। उन्होंने कहा कि हाल ही में मौलाना तौकीर रजा द्वारा बरेली शहर में एक बार फिर दंगा भड़काने का प्रयास किया गया और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बातें कही गई। उनके इस टिप्पणी को मेरी पत्नी ने भी सुना, जिसके बाद वो मुझसे आश्चर्यचकित होकर कहती है कि जब यह व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें बोल सकता है तो वह कुछ भी कर सकता है। ऐसे में यदि वर्तमान समय पर यूपी में योगी की सरकार ना होती तो बरेली में कुछ दिन पहले ही दंगे हो गए होते। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएम योगी की तारीफ करने वाले और इस मामले की सुनवाई करने वाले जज ने ही ज्ञानवापी को लेकर फैसला दिया था। इस मामले पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए अपने परिवार के डर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी प्रकरण पर फैसला सुनाने के बाद से मुझे 32 पन्नों का धमकी भरा पत्र भेजा गया, जिसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ऐसे में मेरे परिवार में हर कोई डरा हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि इस देश में जज भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, और इसका कारण है मुस्लिम कट्टरपंथ की दादागिरी, जिसे अब योगी सरकार ने काबू करने का काम किया है। क्या है बरेली हिंसा की पूरी कहानी? 31 जनवरी को काशी के ज्ञानवापी पर फैसला आता है और हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति मिल जाती है। रातों रात तहखाने में पूजा पाठ भी शुरू हो जाती है। ये बात एक धर्म विशेष को नागवार गुजरती है। धर्म विशेष के धार्मिक गुरुओं की तरफ से इसको लेकर जमकर बयानबाजी की जाती है। ज्ञानवापी फैसले के ठीक 8 दिन बाद काशी से करीब 700 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन एक मदरसे और नमाज स्थल पर बुलडोजर की कार्रवाई करता है, और यहीं पर धर्म विशेष का गुस्सा फूट पड़ता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, जमकर आगजनी और नारेबाजी की जाती है। इसके साथ ही पत्थरबाजी भी होती है, थाने पर पेट्रोल बम से हमला किया जाता है,
जिसमें पुलिस की कई गाड़ियां जलकर राख हो जाती है। रास्ते में खड़ी बस और बाइकों को आग के हवाले कर दिया जाता है। अराजक तत्व सड़कों पर जमकर उत्पात मचाते हैं, लेकिन हल्द्वानी पुलिस हालात को संभाल नहीं पाती। यहां तक कि पुलिस के जवानों को अपनी जान बचाने के लिए थाने में शरण लेनी पड़ती है। रातों रात भारी संख्या में पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी जाती है। हल्द्वानी हिंसा में हुई थी 5 लोगों की मौत। हल्द्वानी हिंसा के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई थी। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था, साथ ही उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया था। इस दौरान 100 पुलिसकर्मी सहित 139 लोग घायल भी हुए थे। इसके अलावा 10 कंपनी पैरामिलिट्री और 6 कंपनी पीएसी को भी तैनात किया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अंशुमन सिंह खुद हल्द्वानी में कैंप लगाकर रह रहे थे। तौकीर रजा ने बटवाए थे पर्चे। हिंसा की ये आंच उत्तर प्रदेश के बरेली जिले तक भी पहुंची, लेकिन समय रहते पुलिस ने इसे काबू में कर लिया। दरअसल धार्मिक गुरु मौलाना तौकीर रजा ने बीते दिन पर्चे बटवाकर 9 फरवरी को जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था। पर्चों में लिखा गया था कि हमें ज्ञान वापी समेत अपनी मस्जिदों, मदरसों, मजारों और मुसलमानों को लिंचिंग से बचाना है। तौकीर रजा के इस संदेश को पढ़ने के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उनके समर्थक बरेली के आला हजरत मस्जिद पर इकट्ठा हो गए। तौकीर रजा के निशाने पर थे सीएम धामी। यहां मौलाना तौकीर रजा ने मस्जिद की छत से खूब जहर उगला। हल्द्वानी हिंसा पर भी बोले। तौकीर रजा ने अपने समर्थकों के बीच कहा कि अगर जुल्म ज्यादती होता रहा तो मुल्क के हालत खराब हो सकते हैं, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। हुकूमत को हमारा साथ देना चाहिए, अगर वो दंगा चाहती है तो हम तैयार हैं। तौकीर रजा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी लेकर निशाना साधा। तौकीर रजा ने उगला था जहर। तौकीर रजा ने कहा था कि अब छोटी मेढकी भी उछलने लगी है। धामी के खिलाफ FIR होनी चाहिए। हल्द्वानी की घटना के लिए धामी जिम्मेदार है। खुद पुलिस प्रशासन हिंदुत्व की राह पर चल पड़ा है। धामी अंधा हो गया है, उसे पता नहीं कि वो जो कर रहा है उसका क्या नतीजा हो सकता है। मैं अपने हिंदुस्तान को हल्द्वानी नहीं बनने दूंगा। तौकीर रजा जब मस्जिद पर चढ़कर अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे तब खूब नारेबाजी हो रही थी। मौलाना तौकीर रजा ने आगे कहा कि हम पूरे देश में जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। इस दौरान तौकीर रजा ने एक और भड़काने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आपको ज्ञान वापी लेना है तो ले लो, मथुरा लेना है तो ले लो, लेकिन सच तो ये है कि आपको किसी मंदिर में आस्था नहीं। अगर मंदिर में आपकी आस्था होती तो कैलाश मानसरोवर आजाद हो गया होता। बरेली में कैसे हुआ बवाल? मस्जिद की छत से उतरने के बाद तौकीर रजा समर्थकों संग गिरफ्तारी देने के लिए इस्लामिया ग्राउंड की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। वापस लौटते समय उनके समर्थकों की कुछ अराजक तत्वों से झड़प हो गई। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि समर्थकों ने एक दुकान पर पथराव कर दिया। ये पथराव बरादरी थाना क्षेत्र श्यामतगंज बाजार में हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। बरेली के दुकानों में हुई थी तोड़फोड़। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने रास्ते में खड़ी बाइक और स्कूटी में तोड़फोड़ की। फूल की कुछ दुकानों को भी तोड़ डाला। रास्ते में दुकान के फूल पड़े थे। हालात तनावपूर्ण होने के चलते पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च किया। वहीं तोड़फोड़ को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध जताया और उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद यूपी की योगी सरकार ने मोर्चा संभालते हुए हालात का जायजा लिया और कट्टरपंथियों पर कठोर कार्रवाई की। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।